हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शास की दुनिया। तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटरी, वो एक राजस्थानी स्नैक है। तो चलते हैं मटरी बनाने के लिए, लेट्स बिगिन। यहाँ पर मटरी बनाने के लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है, ऑल पर्पज़ व्हीट फ्लोर। उसके अंदर मैंने 1 फुल स्पून ऑफ ज़ीरा ऐड करना है। उसके बाद टेस्ट के लिए हमें नमक ऐड करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 स्पून नमक ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 फुल स्पून ऑफ घी ऐड करना है ताकि आटा नरम हो। सो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। तो इसके बाद मैं आटा गूंदना स्टार्ट करूँगी। घी की वजह से हमारा आटा नरम और सॉफ्ट होगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें आटे को गूंद लेना है, देखिए इस तरह। सो मैंने आटे को गूंद लिया है, देखिए कितना नरम और स्पॉन्जी हो गया है। इस तरह हमें आटा गूंदना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसे रोल करना है, जैसे बिल्कुल चपाती बनाते हैं उसी तरह हमें इसे बनाना है। आप एक्स्ट्रा आटा ऊपर ऐड कर सकते हैं ताकि आटा चिपके ना। तो देखिए इस तरह मैंने इसे बड़ी रोटी की तरह बेल लिया है। बेलने के बाद हम इस पर थोड़ा और आटा लगाएंगे ऊपर से दोनों साइड्स। आटा लगाने के बाद हमें इस पूरी रोटी को देखिए इस तरह हमें रोल करके रख लेना है, देखिए इस तरह रोल करना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे रोल कर लिया है। उसके बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह। सभी पीसेस में कट कर लेने के बाद हम इसे राउंड बॉल्स बनाएंगे, जिस तरह हम रोटी के बॉल्स बनाते हैं उसी तरह इस सभी को हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, देखिए इस तरह। तो मैंने यहाँ पर सारे पेड़े बना लिए। अब हम इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसे याद रखिए रोटी का साइज़ नहीं बेलना है, मैं इसे सिर्फ बहुत छोटा सा साइज़ इसे राउंड करके बेलना है, देखिए जिस तरह मैं बोल रही हूँ। देखिए इस तरह हमें इसे राउंड बेल लेना है, इतना साइज़ काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, ये साइज़ काफ़ी है। इसके बाद हमें इस रोटी को हम सेमी सर्कल में फोल्ड कर लेना है, देखिए इस तरह। डैप नहीं करना है, हल्के से क्लोज करना है। फिर और एक साइड से लेके हम इसे ट्राइकोन में बना देंगे, देखिए इस तरह। जिस तरह मैं फोल्ड करिए इस तरह फोल्ड कर लेना है, और जहाँ पर फोल्ड होगा वहाँ पर कॉर्नर में हमें इसे डैप करके चिपका देना है। याद रखिए पूरा नहीं
क्लोज करना है, सिर्फ कॉर्नर पे क्लोज करना है। और ये फ्राई करते वक्त रोटी फूले ना, इसलिए हमें मैं चाकू लेकर इसके होल्स डाल रही हूँ बोथ द साइड्स। सो ये तो मेरा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस पर हल्का सा थोड़ा सा बेल सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो, लेकिन ज़्यादा मत बेलिए, मतलब वो एकदम से चिपक जाएगा। हल्का सा बेलना है, क्योंकि मेरी एक मटरी तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी के दूसरे वाले भी बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपने सारी मटरी बनाकर रेडी कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई लेकर मैंने तेल को गरम कर लिया है और मैं एक एक करके इसमें मटरी डाल रही हूँ। हमें इसे डीप फ्राई करना है और कंटिन्यूसली फ्राई होते वक्त हमें कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहना है। देखिए मैं इसे कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ ताकि एक ही जगह वो तले ना जाए। सो ये देखिए गाइस, धीरे धीरे ये मेरी मटरी रेड ब्राउन हो रही है। देखिए ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। सो इसी तरह मैं अपने बाकी के मटेरियल भी फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी यम्मी स्नैक है। मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छी बनती है ये मटरी। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है एकदम। सो मैंने यहाँ पर अपनी सारी मटरी फ्राई कर निकाल ली है। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल और इजी स्नैक रेसिपी है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ये इवनिंग स्नैक में चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी थी। आई होप गाइज आपको ये स्नैक रेसिपी अच्छी लगी हो। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।